press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. डायरेक्टर आपसे जानना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा राजीव है, समीक्षा है, फिल्म में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम? वैसे तो बड़ा घिसा पिटा सवाल है, आता है कि अच्छा ही था, लेकिन हाँ आपकी बहुत अच्छा रहा कि जो एक्चुअल में जो बात राजीव जी ने कही कि हम ये इस फिल्म के थ्रू एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं क्लासिकल एरा को, कि वो हिंदी सिनेमा जिसके अंदर रिश्ते होते थे, जज्बात होते थे, म्यूजिक होता था, संगीत होता था, सारी चीज़ें डायलॉग्स होते थे कि जिनको आप वर्षों याद रखते थे, है ना, उन डायलॉग्स पे आज के ज़माने में मीम्स बनते हैं, उस समय उन डायलॉगों में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए कंपेन बनते थे, तो सारी चीज़ें हैं। और इस सिनेमा को हम लोगों ने उसी तरीके से बनाया भी, इसके गाने हम लोगों ने, हम और मनोज भाई और विशाल जी बैठ के चार दिन पाँच दिन बैठ के उसी तरीके से बैठक करके हम लोगों ने निकाला। देखिए सिंगल कंपोजर लिरिसिस्ट ये भी एक बहुत ज़माने बाद आपको मिलेगा, हाँ, पूरे पूरे एल्बम में एक ही लिरिसिस्ट है और एक ही कंपोजर, हाँ, वो भी उनको धन्यवाद तो वो चीज़ें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो बनाना चाहते थे एग्जैक्टली, जो हिंदी सिनेमा हम बनाना चाहते थे, ओरिजिनल सिनेमा बनाना चाहते थे, वो हम सबके सहयोग से बना पाए और बहुत अच्छा लगा। और सबने वो जो चीज़ हमने चेंज की, हमने राजीव को जो एक एंग्री यंग मैन का हमको दिखता था इनकी आंखों में, वो एक वाइब्रेशन है कि जो एक एंग्री यंग मैन के अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ स्क्रीन पे आने के बाद डबल ट्रिपल तौर पर दिखाई दी और हमें लगता है कि ऑडियंस पसंद करेगी, क्योंकि पूरी कहानी ओरिजिनल। संजय जी, जिस तरीके से हम पोस्टर में देख रहे हैं ट्रिब्यूट टू क्लासिक एरा ऑफ हिंदी सिनेमा, देखा जाए तो 70s और 80s को कहने के ट्रिब्यूट देता है, सो हाउ मच यू एग्री विद दिस कि ये बहुत जरूरत है, बिकॉज जैसे आपने खुद ही कहा कि अभी मीम्स बनने लग गए हैं या ट्रोल होने लग गए हैं, और एक दिग्वांशु दुलिया उन्होंने भी एक बार कहा था कि अगर आज के टाइम पे अगर शोले भी लगती तो उसको भी लोग ट्रोल करते थे, सो हाउ मच डू यू एग्री? नो डाउट शोले लगती तो उसको ट्रोल कर सकते थे, लेकिन शोले आज अगर बनेगी, अगर आज एक तो हमारे हम रीमेक में हम भी ज्यादा भरोसा नहीं करते, हमें भी लगता है कि कहानियाँ तो वही हैं। एक होता है हिंदी सिनेमा जो शुद्ध हिंदी सिनेमा था, जिसमें एक हीरो होता था, एक विलेन होता था, एक सिचुएशन होती थी, एक संगीत होता था, एक मुस्लिम होता था, एक हिंदू होता था, वो सारी चीज़ें एक कॉम्पिटिटिव जो पूरी सबको जोड़ के चलती थी, वो सिनेमा मिस हो गया। हम एक्सपेरिमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते चले जा रहे हैं, ड्रग तो खाली ड्रग्स, मतलब आई मीन पहले का कोई भी सिनेमा उठा के देखिए, दीवार तो इसी वजह यही वजह थी कि पहले 10 में से 8 सिनेमा हिट होते थे, आज 10 में से 2 सिनेमा हिट होते हैं, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि ट्रोल होना, जो सवाल किया हमने कि शोले आज लगती सवाल नहीं, उस समय बनी हुई उन टेक्निक्स के दौर पर उन, लेकिन अगर शोले आज लिखी जाएगी तो आज के हिसाब से लिखी जाएगी, लेकिन वो जज्बात, वो फील, वो दोस्ती, वो यारी, है ना, वो सारी चीज़ें वो रहेंगी, वो हमेशा वर्क करेगी। और वही कारण है साउथ आज भी इसी पे जी रहा, साउथ में आज भी जो यहाँ का 80s का जो सिनेमा था, वही साउथ राउडी राठौर वही है, वही सिंगम है, वही ऑलवेज हिट है, तो पब्लिक को तो चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए और कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारा ने कोशिश की है कि, और पूरी तरीके से इसीलिए बिल्कुल क्लेम किया है कि कल को आप ये ना कहिए कि हमने आपको कुछ पुरानी चीज़ दिखाई या ऐसा, पहले हीरो देखा करते थे, मज़ा आता था, हॉल से निकलते थे तो हम लोग दूसरी दुनिया में रहते थे, जब कॉलेज बंक करके पिक्चर देखा करते थे, सबको डर भी रहता था, टीचर का भी, फादर का भी, लेकिन उसके बाद निकल के आते थे लगता था कि सारा दुनिया जीत ली बच्चे साथ, बस खुश तो बहुत हो गए। देखिए एक चीज है, ये संजीव जी के बारे में बता दूं, ये बहुत बड़े अमिताभ बच्चन फैन है, मतलब इतने बड़े वाले कि इनके साथ आप अगर एक कमरे में बंद हो जाएं तो आपको थोड़ी देर बाद ये गुमान होने लगेगा कि आप अमिताभ बच्चन के साथ बंद हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो प्यार था उस एरा के सिनेमा के लिए, वो आपको प्रणाम के हर सीन में नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कुछ कॉपी करने की या रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाँ ट्रिब्यूट तो है, ट्रिब्यूट तो हमेशा मानते हैं। और देखें आप, एक बहुत किसी बड़े फिल्म क्रिटिक ने एक बात कही थी कि सही, और हिंदी सिनेमा के बारे में कहा था कि हिंदी सिनेमा की कामयाबी का फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है और ये कमाल का फॉर्मूला है जो मुझे लगता है आज तक चलता है। सब तकरीबन 40 साल पहले का स्टेटमेंट है ये कि जिस फिल्म को देख के आप बाहर निकलें और आपके होठों पर स्माइल हो और बाएं गाल पे एक सूखा हुआ आंसू, वो पिक्चर सुपर हिट ऑलवेज हिट। तो मैंने क्या बोला, फिर प्रणाम, वरना क्या रहा, 2 घंटे हमने ज़िंदगी की बर्बाद की, वो कुछ लेके नहीं निकले, पॉपकॉर्न खाया, निकल के आगे बाहर, और उसकी एक्टिंग की अगर बात करने लगे हम तो आज किसी बात हो रही, टेक्निक की बात कर रहे हैं, एक आम ऑडियंस टेक्निकोलॉजी की बात करता है, क्यों एक्टिंग की बात कर रहा है? अरे तुमको कैसे पता एक्टिंग क्या होती है? हम लोगों को पता है कि एक्टिंग कैसी होती है, तो लेकिन वो इसलिए वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही, वो कहानी में नहीं घुसता, वो उसके इमोशंस में नहीं जा पाता, वरना दिखना ही नहीं चाहिए। ट्रू, पहले के सिनेमा में आपको कभी याद है कि कोई तार आपको दिख रहा हो? पहले तो VFX नहीं था, कभी आप किस कभी नोट किया आपने कि आपको दीवार पे तार दिखा? आप समझिए बात, क्योंकि आपका तार पे जिस समय चला गया उसमें बच्चा साहब खत्म हो गए, बिल्कुल डायरेक्टर खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई,
लेकिन आज लोग तार की बात कर रहे हैं, वीएफएक्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर वीएफएक्स बहुत अच्छा था। अरे क्या बचा? अगर डॉक्टर जो बात करता है वो पेशेंट करने लगे तो चीज़ें खत्म हो रही ना। एक डॉक्टर को फिर फायदा क्या हुआ? उतनी साल वर्षों उसने मेहनत की, पढ़ाई लिखाई करी, और उसके बाद एक पेशेंट कह रहा है कि क्या एक्सरे में दिखाई दे रहा सही क्या है? तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही? क्योंकि डॉक्टर की एक गोली फायदा नहीं कर रही। आई थिंक कि अगर करेक्टर है तो आपको टीस्टूल दिख कैसे रहा? इसका मतलब मेरे करेक्टर में दम नहीं, इसका मतलब मेरी कहानी में दम नहीं, इसका मतलब मेरी एक्टर की परफॉर्मेंस में दम नहीं। आप समझ रहे ना? पहले की कोई फिल्म याद करके देखिए ना, घोड़े दौड़ा करते थे, मेरा गांव मेरा देश, एवरी फिल्म, एनीथिंग, आपको कभी तार नहीं दिखेगा, कभी स्टूल नहीं दिखेगा, कभी आपने पीछे गौर नहीं किया कि पीछे कौन टहल रहा। अरे भाई आज आपको बचा के सिनेमा शूट करना पड़ता है, देखो पीछे क्या चल रहा है, अरे ऑडियंस देख लेगी चार दिन बाद उसके। तो वो खो गया है, वो खो गया है, वो हिंदी सिनेमा खो गया है जिसमें आप सिर्फ करेक्टर देखते थे, खुद को ढूंढ लेते थे। उन पांच करेक्टरों में आप एक करेक्टर को ढूंढ लेते थे, उसके साथ आप जीते थे। वो रोता था तो आप रोते थे, वो खुश होता था आप खुशते थे, उठ के कदमार साले को, जब तक वो बात नहीं आई, जब तक वो ताली नहीं बजी। सिनेमा मतलब वो है, हमारा सिनेमा का मतलब वो है। हम सिनेमा किसी अवार्ड के लिए नहीं बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। सुने, उसके अंदर दो घंटे हमारे साथ जिए, अगर दो घंटे वो हमारे साथ जी गई, हम सक्सेसफुल। बाकी तो अवार्ड से लेके वो सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, रेटिंग, ये सब तो ऑल यू नोज। इमर्सिव जो एक्सपीरियंस था ना पहले, पूरी तरह से बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली कि जब तक आपको वो स्टूल दिख रहा है, जब तक आपको तार दिख रहा है, तो मतलब फिर आप परफॉर्मेंस में इमर्स नहीं हुए। नहीं, उसने आपको पूरी तरह एंगल्फ नहीं किया है। आप अब मुझे याद आता है, आप सोचें कि कितनी स्मार्ट क्रिएटिव लिबर्टीज हमारे पिछले पुराने फिल्म मेकर्स लेते थे, और क्या शान से लेते थे, सीना चौड़ा करके। आज हर चीज़ में डिटेल में पड़े हुए हैं। अमर अकबर अंथोनी का क्लाइमेक्स आप याद करें कि वहाँ गाना चल रहा है, सीन क्या है? सीन ये है कि अमर अकबर अंथोनी तीनों की तलाश हो रही है, और जो गुंडे गुंडों के अड्डे पे कहा जा रहा, पता करो, भेजा जा रहा है कि जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ है अमर, कहाँ है अकबर, कहाँ है अंथोनी, और ये तीनों वहाँ गाना गा रहे खड़े होके। आप समझिए, तो आपको उतना ही मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है आपको? दैट द सिनेमा, दैट द हिंदी सिनेमा जो मिस हो गया। अब आप अगर और देखें तो सोचें कि मैं एक दिन सोच रहा था यूं ही कि 50s का एक गाना ऐसा है और वो अकेला गाना होगा 50s का, जो कि अब गानों की उम्र क्या हो गई है, गाने आपके कभी एक साल में खत्म हो जाते हैं, कभी डेढ़ साल, अच्छे हिट गाने की बात कर रहा हूँ। 50s का एक गाना है जो आज के बच्चे बच्चे को पता है, वो गाना था मन डोले मेरा तन डोले, ये कौन बजाए बांसुरिया, नागिन फिल्म का गाना है, इच्छाधारी नागिन पे बेस्ड कहानी। तो भाई नागिन बांसुरी थोड़ी तो बीन पे नाचती है, पर अगर वहाँ लिरिसिस्ट बीन लिखता तो सबको पता था कि यार बीन लिखते ही ना इसमें वो जो लहर है वो चली गई, लिखा गया। ये क्रिएटिव लिबर्टीज जब आप लेते हैं तो आप एक्चुअली ऑडियंस को मैथमेटिक्स नहीं सिनेमा दिखा रहे, सिनेमा दिखा रहे। तो हम भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, सिनेमा दिखा रहे हैं। और ये बात जो आप आज तक कभी नहीं सुनी किसी ने, किसी ने नहीं बोली ये बात कि बीन पे नाचती बांसुरिया पे नहीं, वो बांसुरिया बोला गया। आप समझ रहे? तो वो जो हिंदी सिनेमा था जिसमें आप ये नहीं ढूंढते थे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, आपको लगता था कि अगर काश हम भी ऐसा कर पाते हैं। बना हीरो का मकसद मतलब क्या हुआ? अभी हीरो करेक्टर में तब्दील हो गया, तो करेक्टर कहाँ जाए? तो वो जो एक हिंदी सिनेमा था जिसको देख के पले बढ़े, जिसको लेके यहाँ पे आए, तो वही बनाने की कोशिश है। और बाकी everything has already been said and he paid as well actually okay. Yeah. thank you so much thank you.